नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूं, यदि श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण या ब्राह्मणी आपको अवेलेबल ना हो, ना मिल पाए, तो किन को भोजन कराएं जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो। मित्रों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यदि प्रोफेशनली जो घर में जाके खाना खाते हैं नहीं मिलते, तो आपके घर के पास ही कोई सज्जन ब्राह्मण परिवार रहता है, तो उनके सदस्यों को भी आप बुलाकर भोजन करा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पुरुष का श्राद्ध है तो पुरुष ही भोजन करेंगे, और अगर स्त्री का श्राद्ध है तो स्त्री ही भोजन करेगी। सुहागन का श्राद्ध है किसी, तो सुहागन को ही भोजन कराएं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आपको मंदिर में भी थाली वगैरह भिजवा सकते हैं, मंदिर में भी थाली, लेकिन थाली जब भी आप मंदिर में भिजवाएं तो वहाँ ज़रूर बोलें ये चीज़ आप कि ये भोजन पर्टिकुलर किसको खाना है, ये चीज़ ज़रूर आप आग्रह करके उनको बोलें। इसके अलावा यदि अवेलेबल नहीं है ब्राह्मण ब्राह्मणी, तो आप अपने भांजे को बुलाकर खाना खिला सकते हो। ग्रंथों में कहा गया है कि नवासा जो होता है ना, नवासा मतलब दोहित्र, दोहित्रे को अगर आपने बुलाकर भोजन कराया है, या फिर भांजे को भोजन करा दिया है, मतलब बहन का बेटा, उनको बुलाकर अगर आपने भोजन करा दिया है, बेटा बेटी सब समान है, लेकिन वही चीज़ है कि पुरुष के जगह पुरुष और स्त्री की जगह स्त्री को ही भोजन कराना पड़ेगा, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख लें। और सुहागन का जो भोजन है वो सुहागन स्त्री ही करेगी, तो उस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर ये भी अवेलेबल ना हो, तो आप गाय को भोजन करा सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। कोई भिक्षुक अगर आपको मिल जाए, वही स्त्री पुरुष वाली बात ध्यान रखनी है, किसी भिक्षुक को भोजन कराएं, उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी, बल्कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा आपको कि आपने किसी गरीब की क्षुधा पूर्ति की और आपके मन में एक अच्छी भावना आई, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। भूखे का पेट भरने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जिनका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और उनको ही आप बार बार खिला रहे हो, तो इसका औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, आप ब्राह्मण देव को या ब्राह्मणी माता को बुलाकर आप घर में भोजन तो करा सकते हैं। यदि वो थोड़ा ही खाते हैं भोजन, तो बाकी का भोजन आप थोड़ा बहुत भोजन किसी भिक्षुक को उसके अलावा भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। गरीबों को तो श्राद्ध पक्ष में जितना आप भोजन कराएंगे, उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को आपने भोजन कराया जो कि बहुत भूखा था, प्यासा था, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसके अलावा गाय को भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराना बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, कौवे को जरूर भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से दोहित्रा हो गया और भांजा हो गया, या आपने किसी भिक्षुक को कराया, या किसी पड़ोसी जो कि ब्राह्मण सज्जन परिवार है उनको कराया, या फिर आपने किसी कौवे को दे दिया या गाय को भोजन करा दिया, तो अखंड पुण्य की प्राप्ति आपको इससे होती है। तो मन में कोई भ्रम संशय ये ना पालें अगर ब्राह्मण या ब्राह्मणी आपको नहीं मिलते हैं। कई बार लोग पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं, और फिर देखो पेट तो एक की भी एक लिमिट होती है कि कोई इंसान कितना खाएगा। कई किसी किसी को 10-10 20-20 जगह जाना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि थाली भर भर कर कोई खाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही कई बार ब्राह्मण देवता खाते हैं। मैंने कई बार देखा कि बहुत कम लोग खा पाते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, तो इसलिए आप भी उनकी परेशानी को समझो, और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको बताया, तो वो सॉल्यूशन आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी उपयोगी साबित होगा।